ऑटोमेटिक वाला सिस्टम बहुत अच्छा होता है, बस इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर सप्लाई लाइन का पानी ही ना आ रहा हो, ऊपर वाली टंकी खाली हो, तो वो मोटर को चलाए रखेगा, क्योंकि ऊपर पानी तो जा नहीं रहा, जब तक पानी ने भरना नहीं है उस मोटर ने बंद नहीं होना, तो पीछे से अगर पानी नहीं आ रहा तो ऐसे में मोटर आपकी जल जाती है। तो अगर आपने मैग्नेट कनेक्टर लगाया होगा तो वो चलाएगी नहीं मोटर अगर नीचे वाली टंकी खाली है, इस चीज का लोगों को नहीं पता। व्यूअर्स, अगर आपको फ्लोट स्विच चाहिए हो या मैग्नेट कनेक्टर चाहिए हो तो आप होम डिलीवरी करवा सकते हैं। फ्लोट स्विच की प्राइस है 1500 रुपीज़ और मैग्नेट कनेक्टर आपको 2000 रुपये का मिलेगा और डिलीवरी चार्जेस 400 रुपये होंगे। एडवांस पेमेंट कर देंगे तो आपको होम डिलीवरी इसकी हो जाएगी। अक्सर लोगों का ऐसा होता है ऊपर वाली टंकी जब भर जाती है तो पानी नीचे गिरने लग पड़ता है और उनको पता नहीं चलता कि पानी गिर रहा है, पानी वेस्ट होता रहता है, वो स्विच ऑफ करना भूल जाते हैं। ऐसा सिस्टम है जब ऊपर वाली भर जाए तो मोटर का बटन खुद ही ऑफ हो जाए या मोटर ऑफ हो जाए? बिल्कुल ऑफ हो जाए। उसका सिस्टम बताए वो क्या होता है? उसने क्या करना होता है कि जैसे जिस लेवल पे आप टंकी ऊपर वाली का स्विच रखेंगे, हाँ, उस लेवल पे जब वो आएगा तो नीचे वाली मोटर खुद ही बंद हो जाएगी। अच्छा, और जैसे ही वो उस लेवल से, अगर किसी ने बोरिंग करवाई हुई है, आमतौर पे लोग बोरिंग का पानी पहले अंडरग्राउंड वाटर टैंक में डालते हैं फिर उससे मोटर लगा के ऊपर पहुंचाते हैं, अगर कोई बोरिंग का पानी डायरेक्टली ऊपर पहुंचाना चाहे ऊपर वाली टैंक, उसका सिस्टम क्या होता है? वो बोरिंग वाली मोटर होती है अलग से, हाँ, वो आपको मिलेगी सिटी सदर टंकी पंप, लोग कहते हैं ना कि हम डबल ऑप्शन चाहते हैं। अच्छा, कि वायर लाइन से भी खींचना चाहिए भाईजान, घर के लिए अगर फर्स्ट करें 30 फुट ऊपर तक पहुंचाना है पानी, एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक है और ऊपर छत तक पहुंचाना है, डबल स्टोरी घर है, तो इनमें से कौन सी मोटर सही रहती है, लोग कौन सी लेते हैं? ये सोनेक्स कंपनी की हाफ हॉर्स पावर। अच्छा, हाफ हॉर्स पावर जी। अच्छा, और इसके अलावा सुपर एशिया हाफ हॉर्स पावर। अच्छा, ये दोनों जो है ये 35 फुट तक हाइट पे प्रेशर पानी देगी। डबल स्टोरी घर के लिए ये चलती है हाफ हॉर्स पावर जी। और अगर ट्रिपल स्टोरी घर हो फिर जो है वन हॉर्स पावर की चाहिए, वो है आपके पास जी? वो कौन सी है? ये नीचे पड़ी है, ये नीचे वाली जी। अच्छा, हाफ हॉर्स पावर वाली कितनी की है और वन हॉर्स पावर वाली कितने की है? वन हॉर्स पावर जो है वो 9800 रुपए की, हाँ, और कॉपर वाइंडिंग, हाँ, और हाफ हॉर्स पावर जो है वो मिल जाएगी 7000 रुपए में। 7000 रुपए में हाफ हॉर्स पावर, हाँ। तो ये सब के अंदर कॉपर वाइंडिंग होती है, सिल्वर वाइंडिंग भी होती है? सिल्वर भी होती है, सिल्वर वाली जो है वो सुपर एशिया कंपनी में मेरे पास हाफ हॉर्स पावर में। अच्छा, वो 6000 रुपए में मिले, वो सस्ती मिलती है सिल्वर वाली, सस्ती है, 1000 रुपया सस्ती। लेकिन 1000 बचाने के चक्कर में बहुत जल्दी खराब हो जाती है सिल्वर वाली? नहीं, चलती है वो भी, एक साल गारंटी होती है, एक साल गारंटी के साथ आती है, इसकी भी एक साल गारंटी है, मोटर के जलने की गारंटी होती है, वाइंडिंग जलने। अच्छा, वरना ये कि कॉपर और सिल्वर में ज्यादा आप कह रहे फर्क नहीं है? नहीं, सिर्फ 1000 रुपए का सस्ता है सिल्वर जी, वाला जी। अगर डबल स्टोरी घर में ट्रिपल वाली लगा ले वन हॉर्स पावर तो और भी बेहतर है जी। जी, वो लगाया तो वो तो जबरदस्त प्रेशर देगी, है ना, प्रेशर अच्छा देगी। वो ऐसा ना कि किसी वक्त आप उसे बढ़ाना चाहते हैं स्टोरी, हाँ, तो आपकी वही चलेगी। वही मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि शुरू से वन हॉर्स पावर की एटलीस्ट लगवाएं, तो आप ऊपर भी करना चाहें बाद में तो वो भी चल जाएगी। अच्छा, ये बताएं कि टंकी पंप क्या होता है और वो किस लिए इस्तेमाल होता है? टंकी पंप के ऊपर ये मोटर लगती है। अच्छा, और ये पंप है इधर, ये पंप है टंकी, तो इसका ये होता है कि ये कंप्लीट सेट, हाँ, ये मिलता है 14000 रुपए का, हाँ, विद मोटर पंप। अच्छा, और इस मोटर की गारंटी वही 1 साल, हाँ, पंप की गारंटी। अच्छा, नहीं होती है। अच्छा, मोटर की गारंटी, डंकी पंप और मोटर दोनों मिलेंगी 14000 की। 14000, तो डंकी पंप कब खरीदते हैं? डंकी पंप ये नीचे टैंकी से भी ऊपर पानी ले जाता है, हाँ, और अगर बाहर सप्लाई का पानी खींचना चाहे तो फिर भी ये काम आ जाता। अच्छा, ये दोनों मकसद के लिए। अच्छा, तो नीचे टंकी से तो ऊपर खाली मोटर भी फेंक देती है, तो टंकी पंप तो खाली यही फेंक देती है, हाँ, तो टंकी पंप, टंकी पंप बंद, लोग कहते हैं ना कि हम डबल ऑप्शन चाहते हैं। अच्छा, कि वायर लाइन से भी खींचना चाहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो ये कि वो पुल कर लेती है जी जी। अच्छा चले, और ये बताएं कि एक वो सिस्टम होता है अगर किसी ने बोरिंग करवाई हुई है, आमतौर पे लोग बोरिंग का पानी पहले अंडरग्राउंड वाटर टैंक में डालते हैं फिर उससे मोटर लगा के ऊपर पहुंचाते हैं, अगर कोई बोरिंग का पानी डायरेक्टली ऊपर पहुंचाना चाहे ऊपर वाली टैंक, उसका क्या सिस्टम क्या होता है? वो बोरिंग वाली मोटर होती है अलग से, हाँ, वो आपको मिलेगी सिटी सदर रोड, वो बोरिंग के साथ ही लग जाती है और उसको चलाओ तो पानी सीधा ऊपर जाता है, उसमें बोरिंग के अंदर डाली जाती है। अच्छा, तो वहाँ से डायरेक्ट पानी ऊपर पहुँचाती है।
मतलब वो जेरे जमीन फिक्स की जाती है और जब उसका बटन करेंगे तो वो सीधा पानी ऊपर पहुंच जाएगा। जो बोर किया जाता है ना वो उसके अंदर ही डाल देते हैं, उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। हाँ जी, वो तो मेरे ख्याल में कोई भी बोर होता है तो उसमें वो मोटर लगती है जी। वो बोर की जो है ना गहराई के हिसाब से जी बिल्कुल। अच्छा, तो उसकी गहराई कितनी? 50 फुट गहरा हो तो कितने हॉर्स पावर की लगनी चाहिए? 1/2 हॉर्स पावर। और अगर 300 फुट गहरा हो? 300 फुट गहरा हो तो फिर 2.2 हॉर्स पावर जी। तो बाकी अपने ऊपर है कि बंदा ऐसा निजाम इस्टेब्लिश करे कि जिससे सीधा पानी ऊपर जाएगा। ओके, तो उसमें ये है कि बचत जरा बिजली की हो जाती है, आपको पहले अंडरग्राउंड में भर के दोबारा मोटर चला के ऊपर नीचे एक दफा उसमें इस चीज की बचत हो जाएगी। हाँ, डायरेक्ट पानी ऊपर। अच्छा, एक और ही मुझे बताएं कि ऑटोमेटिक साइफन क्या होता है? अक्सर लोगों का ऐसा होता है ऊपर वाली टंकी जब भर जाती है तो पानी नीचे गिरने लग पड़ता है और उनको पता नहीं चलता कि पानी गिर रहा है, पानी वेस्ट होता रहता है, वो स्विच ऑफ करना भूल जाते हैं। ऐसा सिस्टम है जब ऊपर वाली भर जाए तो मोटर का बटन खुद ही ऑफ हो जाए या मोटर ऑफ हो जाए? बिल्कुल ऑफ हो जाए। उसका सिस्टम बताएं वो क्या होता है? इसका ये होता है कि ऊपर टंकी में जो है ना वो लगाया जाता है, ऊपर वाली टंकी में लगता है वो। अच्छा, उसकी वायर अलग से ऊपर जाती है नीचे मोटर से। हाँ ठीक है, जैसे ये सीरीज बोर्ड वगैरह होता है ना जी जी ऐसे। अच्छा, उसने क्या करना होता है कि जैसे जिस लेवल पे आप टंकी ऊपर वाली का स्विच रखेंगे, हाँ, उस लेवल पे जब वो आएगा तो नीचे वाली मोटर खुद ही बंद हो जाएगी। अच्छा, और जैसे ही वो उस लेवल से नीचे जाएगा, हाँ, मिसाल के तौर पे आधे तक आप रखें आधी मोटर तक, हाँ, गहराई तक टैंकी जी, में, जी, जी, तो आधी से नीचे जब जाएगा या 1/4 नीचे जाएगा तो वो खुद ही चल। ठीक है, ठीक, माफ करें भाई। ऑटोमेटिक वाला सिस्टम बहुत अच्छा होता है, बस इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर सप्लाई लाइन का पानी ही ना आ रहा हो, ऊपर वाली टंकी खाली हो, तो वो मोटर को चलाए रखेगा क्योंकि ऊपर पानी तो जा नहीं रहा। जब तक पानी ने भरना नहीं है उस मोटर ने बंद नहीं होना, तो पीछे से अगर पानी नहीं आ रहा तो ऐसे में मोटर आपकी जल जाती है। ऊपर उसे बोलते हैं फ्लोट स्विच। हाँ, ऊपर टंकी में लगाए। हाँ, तो जैसे पानी ऊपर जाएगा, पानी कम होगा तो मोटर चलेगी खुद ही, ऑटोमेटिक चल जाएगी। और जैसे ही आप उस लेवल तक टंकी भरेंगे तो मोटर ऑफ हो जाएगी। अच्छा, उसमें आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी कि मोटर चलानी है या बंद करनी। फ्लोट स्विच उसके लिए लेना पड़ता है, उसे फ्लोट स्विच बोलते हैं। हाँ। अच्छा, तो ये होता है ना क्या? जी, बस 2 मिनट। सप्लाई का पानी ना आ रहा हो तो फ्लोट स्विच ऑन ही रहेगा फिर? नहीं, सप्लाई के मोटर के साथ नहीं लग सकता। नहीं, वो तो ऊपर वाली टंकी में लगा हुआ है ना, उसको पानी चाहिए। अब पीछे से सप्लाई का पानी नहीं आ रहा, सप्लाई के लाइन में वो लग ही नहीं सकता। अच्छा अच्छा अच्छा, वो सिर्फ इस मोटर के साथ। अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, थैंक यू सर। अच्छा, ये होता है फ्लोट स्विच जी। ये किधर लगता है, कैसे काम करता है ये? ये पानी के लेवल के लिए होता है, जिधर भी रखना है लेवल उसका। अच्छा, आधी टंकी या फुल टंकी जो भी करना है, ये उसका लेवल होगा जो। अच्छा, इस तार के अंदर इस तरह आएगा। अच्छा, हाँ। बाकी इसकी तारें जो है ना, ये 2 तारे ऊपर वाली टंकी की। हाँ, अगर नीचे वाली की करनी है फिर ये वाली 2 तारे नीचे वाली की करनी है, ब्राउन और ब्लैक। हाँ जी। और ऊपर वाली करनी है तो ब्लू और ब्लैक। हाँ जी। अच्छा, अगर मतलब नीचे वाली टंकी में लगाना है तो ब्राउन और ब्लैक यूज करूंगा, ऊपर वाली टंकी में लगाना है, टंकी के अंदर लगता है ना ये? टंकी के अंदर ही, तो टंकी के अंदर ही जानी है। ये दोनों चीजें टंकी के अंदर जानी है। इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या है? ये पानी का लेवल है। अच्छा, ठीक है। और ये वाला इसने ऑन ऑफ करना है। अच्छा अच्छा, तो ये बताएं कि मैं तो ऊपर वाली टंकी में लगाना चाहूंगा कि ऊपर वाली भरी रहे, जब वो खाली हो तो ऑटोमेटिकली स्विच ऑन हो जाए, तो ऐसे में क्या करूंगा मैं? ये वाली 2 तारे, ये 2 तारों को किधर लगा दूंगा मैं? ऊपर वाली टंकी में जो प्लग से निकल के जाएंगी मोटर के पास से। अच्छा, ये 2 तारे। अच्छा अच्छा अच्छा, मोटर के पास से जो ऊपर का स्विच है उसमें ये 2 तारे लगेंगी। ऐसे में ये बताएं कि अगर सप्लाई से पानी ना आ रहा हो, नीचे वाली टंकी खाली हो, तो फिर ये मोटर ऑन रहेगी क्योंकि ये इसने तो भरनी है टंकी, ये तो ऑन हो जाएगी। इसके लिए फिर मैग्नेट कनेक्टर लगेगा। अच्छा, ये है मैग्नेट कनेक्टर। अब ये कहाँ पे लगता है? ये मोटर के पास ही लगेगा। अच्छा, इसका क्या फंक्शन है?
इसने बस मोटर को ऑन ऑफ करना है, नीचे वाली टैंकी अगर खाली होगी ना फिर नहीं चलेगा। अच्छा अच्छा, मतलब अगर आप कहते हैं फ्लोट स्विच इंसान ले तो साथ में मैग्नेट कनेक्टर जरूर ले, क्योंकि उससे ये होगा कि अगर नीचे वाली टैंकी खाली है और अगर आपने मैग्नेट कनेक्टर नहीं लगाया हुआ तो फ्लोट स्विच की वजह से वो तो मोटर आपकी ऑन रहेगी, जब तो वो ऑन रहती रहेगी जल जाएगी, खराब हो जाएगी। तो अगर आपने मैग्नेट कनेक्टर लगाया होगा तो वो चलाएगी नहीं मोटर अगर नीचे वाली टंकी खाली है। अच्छा है, देखें इस चीज़ का लोगों को नहीं पता। व्यूअर्स, अगर आपको फ्लोट स्विच चाहिए हो या मैग्नेट कनेक्टर चाहिए हो तो आप होम डिलीवरी करवा सकते हैं। फ्लोट स्विच की प्राइस है 1500 रुपीज़ और मैग्नेट कनेक्टर आपको 2000 रुपये का मिलेगा और डिलीवरी चार्जेस 400 रुपये होंगे। एडवांस पेमेंट कर देंगे तो आपको होम डिलीवरी इसकी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। बिजनेस करो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मालूमाती और इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडियाज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, नीचे कमेंट करके माशाल्लाह जरूर लिख दीजिए और ये भी बताइए कि आपकी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। घर बना रहे हैं तो नए और म्यारी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के बारे में जानना तो लाजमी है, साथ ही साथ सिविल इंजीनियर से कंस्ट्रक्शन टिप्स लेना भी जरूरी है। इसीलिए बिलाल जफर शो को सब्सक्राइब कीजिए।